एवरीवन, ऐसा ब्राइडल मेकअप करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ द नेचुरल वॉश का टोनर। इससे पहले हमने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट स्किन टाइप। इसके बाद अच्छे से फेस मसाज कर देंगे इसके थ्रू। CTM करने के बाद अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लिप बाम। सबसे पहले हम आई मेकअप करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टेप कंसीलर इन द शेड लाइट न्यूट्रल। और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे यूजिंग अ स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर। आप चाहो तो किसी भी नॉर्मल ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर लॉक किया है लूज़ पाउडर की हेल्प से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट, और हम काइंड ऑफ थोड़ा सा मैचिंग आई शेडो लगा रहे हैं आउटफिट से। सो यहाँ पे बर्नट ऑरेंज शेड मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं स्मोकी लाइनर लगाऊंगी, सो इसलिए मैं यहाँ पे टेप का यूज़ कर रही हूँ। टेप लगाने के बाद अगेन मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट करी है। अगर आपको स्मोकी लाइनर लगाना है तो आप सबसे पहले ही टेप लगा सकते हैं कंसीलर से भी पहले। इसके बाद हम ब्राउ बोन को हाईलाइट कर देंगे। अपर क्रीज पर मैंने थोड़ा बर्नट ऑरेंज शेड यूज़ किया। अब मिडल में मैं यहाँ पे ब्राउन आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप कोई भी आई शेडो पैलेट एंड ब्रशेज यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मॉर्फी और PSE के ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ। आई शेडो अप्लाई करने के बाद अब मैं बीच में शिमर शेडो लगा रही हूँ। ये हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट के बीच में ही ये शेड था, सो कॉपर काइंड ऑफ अ शिमर शेड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और फिंगर से एप्लीकेशन कर रही हूँ इसकी। और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिकोट का काजल, और अब हम इसको अच्छे से एज अ लाइनर अप्लाई कर देंगे। काजल अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँगी एक पेंसिल ब्रश से। तो बिल्कुल पतला सा ये ब्रश है और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आप देख रहे हो मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ और एक विंग भी फॉर्म कर रही हूँ उसी ब्लेंडिंग से। इसे हम स्मोकी आईलाइनर लुक क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह हम दूसरी आई पर भी ये कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमारी ब्लेंडिंग हो चुकी है और अब हम टेप को रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना शार्प स्मोकी आईलाइनर लुक हमें मिला है। और इसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगी अपना फेवरेट मस्कारा। यहाँ पे मैंने फेसेस कनाडा का मस्कारा यूज़ किया है। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे लैशेस। तो मिंक लैशेस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और ग्लू मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मिस क्लेयर की। मिस क्लेयर में हमारे पास तीन आई लैशेज ग्लू अवेलेबल हैं, ब्लैक, वाइट एंड क्लियर। तो आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा और फिनिशिंग के लिए ब्लैक शुगर का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। हमारा आई मेकअप डन है। इसके बाद मैं यहाँ पे एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइज़र। इसे भी अच्छे से फुल फेस पर अप्लाई कर लेंगे। एम्ब्रोलिस के अप्लाई करने के कुछ सेकंड्स बाद हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन पैलेट यूज़ करी है, और एक शेड डार्क मैं यूज़ कर रही हूँ अंडर आईज़ पे और कॉर्नर ऑफ द माउथ। जहाँ भी आपको लगे कि डार्कनेस है फेस पे, आप यूज़ कर सकते हो कंसीलर अच्छे से। याद रहे प्राइमर लगाने के बाद और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमें एटलीस्ट 30-40 सेकेंड्स का गैप देना होता है उसको सेट होने के लिए अच्छे से स्किन में। कंसीलर को भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन आपको सेम या फिर 1-2 शेड्स लाइटर लेना होता है। यहाँ पे मैं मेकअप फॉरएवर HD लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं उसको अप्लाई कर दूँगी यूजिंग अ फाउंडेशन ब्रश।
इसे भी हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं आई मैजिक का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा है और रीज़नेबल भी है। और इसके अलावा मैं मॉर्फी, रियल टेक्निक और PSC का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। नेक पर भी सेम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फेस एंड नेक पे अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टेप का कंसीलर फिर से, लेकिन ये लाइट टोन में है और इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अंडर आइज पे बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है तो उसके लिए आप छोटा ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। ये वाले मिनी ब्यूटी ब्लेंडर्स मेरे पास PSE ब्रांड के हैं और अब इसको अच्छे से हम पाउडर लॉक कर देंगे अंडर आइज़ को। तो मैंने यहाँ पे लॉरा मर्सियर का लूज़ पाउडर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ फेस ब्रॉन्जिंग यूजिंग बेनिफिट हुला। तो आप कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो, हमें बेसिकली फेस को ओवल शेप में बनाना होता है। मैं यूजुअली बहुत लाइट कॉन्टोरिंग ही करती हूँ, मुझे हैवी कॉन्टोरिंग पसंद नहीं है, बट अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि उन्हें हैवी कॉन्टोरिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ब्रॉन्जिंग के बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फॉरएवर 52 की ब्लश पैलेट। सो अच्छे से अप्लाई कर लेंगे इसको चीक्स, नोज़ और चिन पे, और बहुत थोड़ा सा फोरहेड पे, ज़्यादा नेचुरल लुक दिखाने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ काजल। तो यहाँ मैंने रिकोट का काजल यूज़ किया है और इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम इसको नीचे स्मच करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ब्रश। और इसमें मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है और नीचे नीचे ब्लेंड किया है। इसके बाद मैं इसको और ज़्यादा ब्लेंड करूँगी सेम आई शेडो से जो हमने ऊपर यूज़ किया है। एंड नेक्स्ट मैं इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर रही हूँ ग्लिटर लाइनर। इसके बाद अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे और इसके बाद आप यूज़ करोगे फिनिशिंग स्प्रे, जो यहाँ पे वीडियो में नहीं आ पाया, बट आपको फिनिशिंग स्प्रे यूज़ करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एनास्टासिया की आईब्रो पेंसिल और इसको हम अच्छे से आईब्रोज़ को शेप बना लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास जो कलर है वो है मीडियम ब्राउन। मेक श्योर हम बहुत ज़्यादा डार्क ना करें आईब्रोज़ को और इक्वल रहे दोनों आईब्रोज़। और फ्रंट से मैं बिल्कुल भी डार्क नहीं करती आईब्रोज़, वरना वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगती हैं। सो कीप इट नेचुरल। और इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हाइलाइटर। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बेकर शैम्पेन पॉप हाइलाइटर। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर, आप देख सकते हो कितना जल्दी हमें ग्लो मिल गया है, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है इस हाइलाइटर से। और इसको हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हम लगाएंगे नोज़, क्यूपिड्स बो, चिन, चीक बोन्स और हल्का सा फोरहेड पर भी मैं लगाती हूँ। बहुत अच्छी उससे शाइन आती है, ऐसा लगता है फुल फेस ग्लो कर रहा है। अब हमारी लिपस्टिक बची है, सो इसके लिए मैंने यूज़ किया एनास्टासिया की लिप पैलेट और उसमें सेम मेरे आउटफिट के कलर जैसा बर्नट ऑरेंज लिप शेड था, तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा आउटलाइन क्रिएट करी है, उसको फिर मैं फिल करूँगी।
और लिप शेड लगाने के बाद अब मैं मिडिल में एक लाइटर शेड यूज़ कर रही हूँ। ये मेबलिन का सुपर स्टे 16 आर लिपस्टिक है और बीच में मैं लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। इससे थोड़ा ओम्ब्रे इफेक्ट आएगा और ये बहुत सुंदर लगता है। और इसी के साथ हमारा मेकअप ख़त्म होता है और ये है हमारे मेकअप की फाइनल लुक। हेयर स्टाइल देखने के लिए आप YouTube पे वीडियो देख सकते हो। आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।